पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्रीराम बालाजी धाम, बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट और लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में विश्व विख्यात कथावाचक संत रमेश भाई ओझा जी द्वारा भव्य राम कथा का बखान किया जा रहा है। राम कथा का शुभारंभ 1 फरवरी से होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित ब्रेड फैक्ट्री के पास ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत 31 जनवरी को ऋण मुक्तेश्वर मंदिर से एक कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। आज कार्यक्रम स्थल पर भूमि पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पूजन में विनीत कुमार गुप्ता मुख्य यजमान, महेश चंद्र अग्रवाल, विभोर गुप्ता, प्रवीण कुमार, अंकुर अग्रवाल, अनिल शर्मा, राकेश गुप्ता, शैलेंद्र गुप्ता, जयदेव यादव के साथ और भी भक्त उपस्थित रहे। इस दौरान सभी भक्तों से अपील करते हुए कहा गया कि श्री राम कथा अमृत महोत्सव में सभी मुरादाबाद के वासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करें। भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद मुरादाबाद में भव्य राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है। राम कथा के का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। राम भाई जी जो है वो ओझा जी जो है वो आ रहे हैं। एक राम जी अब आए हैं यूपी के अंदर, उनका बहुत टाइम बाद जो है यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और इसके लिए आज जो है उसका हवन कुंड का भूमि पूजन किया गया, हवन वगैरह उसमें किया गया है और उम्मीद है कि 10-15 हज़ार लोग यहाँ पर आएंगे, ऐसा उम्मीद की जाती है। और आज पंडाल का और उसका सारा कार्यक्रम व्यवस्था की जा रही है और सब लोगों से अनुरोध है जो भी शहरवासी हैं कि इसका धर्म लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ। मुरादाबाद के लोगों से, महानगर के मुरादाबाद वासियों से निवेदन है कि सब लोग इस उपलब्धि का फ़ायदा उठाएं कि राम कथा का आयोजन और उसका श्रवण करके राम की भक्ति का आनंद लें। क्या विशेष कार्यक्रम रहने वाले हैं? इसमें राम जी का ही पूरा राम कथा होगी और इसमें मेन प्रोग्राम ओझा जी के द्वारा और सारे देशों में 140 देशों में इसका प्रसारण लाइव टेलीकास्ट होगा, जो 4 बजे से स्टार्ट होगा लाइव टेलीकास्ट और प्रोग्राम 3:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा और ये 9 दिन चलेगा प्रोग्राम, जो 31 तारीख को इसमें कलश यात्रा होगी और 1 तारीख से जो है कथा 3:30 बजे से स्टार्ट होगी 7:30 बजे तक शाम। क्या कोई विशेष व्यवस्था की गई है जो श्रद्धालु यहाँ पर शामिल होंगे? विशेष काफ़ी इसमें लोग आ रहे हैं, इसमें आचार्य जी भी आ रहे हैं और काफ़ी इसमें महापुरुष इसमें आएंगे। लोहिया परिवार ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था करके यहाँ पे महाराज जी का प्रोग्राम लिया है और हम मुरादाबाद के जितने भी वासी हैं सभी से अनुरोध करेंगे कि वो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं, क्योंकि डेली भंडारा यहाँ पे व्यवस्था की है हमारे लोहिया परिवार ने। उससे क्या होगा कि जो समय है महिलाएं इसलिए जल्दी जल्दी जाती हैं ऐसे कार्यक्रमों में से कि उन्हें घर जाकर भोजन बनाना पड़ता है, तो जब यहाँ पे भोजन मिलेगा ही तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने खूब आएँ प्रेम से कथा सुने। ये राम कथा उत्सव जो यूपी के अंदर हमारे बाबा राम जी विराजमान हुए हैं राम जी, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर राम कथा का आयोजन मुरादाबाद महानगर के अंदर किया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में 31 तारीख को 31 जनवरी को कलश यात्रा रणमतेश्वर मंदिर से कार्यक्रम स्थल पर संपन्न होगी और 1 फरवरी से 9 फरवरी तक यहाँ पर कथा का आयोजन किया जाएगा। तो सभी धर्म प्रेमियों से, महानगर वासियों से और जो भाई साहब ने अभी बताया था कि 108 देशों में इसका प्रशासन किया जाएगा, डायरेक्ट लाइव किया जाएगा, आप सब लोग यहाँ पर आकर बाबा का आनंद उठाएं, राम जी की गुणगान करें और बाबा का प्रसाद भी यहाँ पर पटे दिन शाम को सबको किया जाएगा। ये सब लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ये करीब 30,000 स्क्वायर फीट का हम लोग पंडाल बना रहे हैं, हैंगर जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ का भूमि पूजन हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथा वक्ता श्री रमेश भाई ओझा जी यहाँ पर रामकथा के लिए आ रहे हैं, जो 1 फरवरी से 9 फरवरी तक यहाँ पर चलेगी। प्रतिदिन कथा के बाद भंडारा है और भूमि पूजन के बाद में आज हम लोग ये देखने आए हैं कि जो हमारा पंडाल सज रहा है उसकी बस एक व्यवस्था देखने के लिए आए हैं, जिसमें हम सभी नगरवासियों का स्वागत कर रहे हैं कि हम उन्हें एक बहुत अच्छा अनुभव देंगे कथा सुनने का। तो सभी से अपील है कि वो यहाँ ज़रूर आएँ और धर्म लाभ कमाएँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।